तो अढ़ाई का अड्डा में आज सबसे पहले बात करेंगे क्रूरता की, बेरहमी की, वहशियानेपन की। कांकेर में अनाथ बच्चों से क्रूरता का मामला सामने आया है। दत्तक ग्रहण केंद्र मासूमों के लिए यातना गृह बन गया। यहां प्रोग्राम मैनेजर मासूमों की बेरहमी से पिटाई करती नजर आती है, देखिए। अनाथ बच्चों से क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ये बिन माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा सुलूक कि रूह कांप उठे। देखिए जरा, पहले ये युवती मासूम बच्ची पर थप्पड़ बरसाती है, फिर बाल पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक देती है। इतने से भी जब इसका मन नहीं भरता तो बाह पकड़कर ये बच्ची को खड़ा करती है और बेड पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इस जल्लाद को दया नहीं आती। ये फिर बच्ची की पिटाई करने लगती है और इस दौरान एक और बच्ची आती है जिसे अपने पास बुलाकर ये युवती उसकी भी पिटाई करती है। ये वीडियो कांकेर के शिवनगर दत्तक ग्रहण केंद्र का है और बच्चियों के साथ जानवरों सा सलूक कर रही ये युवती यहाँ की प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी है। इस दत्तक ग्रहण केंद्र को इसने मासूमों का यातना गृह बनाया हुआ है। बताया जाता है कि प्रोग्राम मैनेजर बच्चों के साथ अक्सर इस तरह की बेरहमी करती है, लेकिन इसका रौब ऐसा है कि यहाँ काम करने वाले लोग भी इसे नहीं रोक पाते। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जब प्रोग्राम मैनेजर बच्ची को पीट रही होती है, उसी समय दो महिलाएं आती हैं, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। बिन माँ बाप के बच्चों को जब तक गोद लेने वाला परिवार नहीं मिल जाता, तब तक उनकी देखभाल के लिए सरकार ने ये दत्तक ग्रहण केंद्र शुरू किया है। इसके संचालन की जिम्मेदारी एक एनजीओ को सौंपी गई है और इसके लिए एनजीओ को शासन की ओर से पैसे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसकी तस्वीरें पानगी लगातार दे रही हैं। प्रोग्राम मैनेजर बच्चों के साथ ये हैवानियत क्यों करती है, इसकी वजह और भी हैरान कर देने वाली है। बताया ये जा रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद ये बच्चों पर गुस्सा निकालती है, उनसे बेरहमी से मारपीट करती है। बच्चों से बेरहमी का ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने आरोपी प्रोग्राम मैनेजर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह की वारदातें न हों, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मैं भी टीवी चालू किया था तो देखा हूँ उसको, बहुत ही दर्दनाक घटना है, अच्छा नहीं लगा। विभाग उस पर जरूर चर्चा करेगा। मैं भी अभी चूंकि तुरंत 9 बजे निकलना था इसलिए आ गया, मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो उसको भी सुनिश्चित करे। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये घटना वाकई सवाल खड़े कर रही है। कांकेर विधायक शिशुपाल सोढ़ी का कहना है कि ये घटना पुरानी है और मामला अधिकारियों के संज्ञान में था, लेकिन इसके बाद मामले को दबाया गया। विधायक ने इसकी भी जांच की मांग की। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किए जाने और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। अभी तक जो जानकारी मिली है ये घटना दिसंबर की है। दिसंबर को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसकी जानकारी तत्कालीन जो अधिकारी है महिला बाल विकास में उसे भी थी, जिन्होंने ये अमानवीय कृत्य किया है। आपने जो फुटेज दिखाया है उससे बड़ा बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य है कि एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जो इस तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो उस संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भूपेश बघेल जी में यदि हिम्मत है, दम है और इस विषय में रुचि है, हिम्मत दम और रुचि, तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, पास्को भी लगना चाहिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आता था, और तीसरा उस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए।
ये अनाथालय बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा देने के लिए बना था, लेकिन ये बच्चों के लिए यातना गृह बनकर रह गया है। मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शासन की मदद से चलने वाले ऐसे अनाथालयों की मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम है या नहीं। जैसा कि विधायक बता रहे हैं, अगर अधिकारियों को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करने की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कांकेर से खेम नारायण शर्मा और रायपुर से ममता लाजीवार की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये मामला पूरा आपने देखा किस तरह से पिटाई की गई, तस्वीरों को ब्लर करना, आप समझिए कि कितनी बेरहमी और वहशियाना हरकत ये की गई उन बच्चों के साथ जिनकी दरअसल कोई आवाज होती नहीं। तेज कुमार नेताम साहब, आप अध्यक्ष राज्य बाल आयोग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेताम साहब, ये रिपोर्ट भी हमने देखी और खुद जो गृहमंत्री हैं वो नाराज हैं। आखिर मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या इतनी ध्वस्त हो चली है कि कोई इन बच्चों को इस बेरहमी से मार सकता है? नेताम साहब, तेज कुमार नेताम, एक बार हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है। अध्यक्ष हैं ये राज्य बाल आयोग के, उनसे फिर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला है, एक नहीं दो बच्चे पर। दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं कि क्या यही आरोप है, आरोप और भी हैं, कई गंभीर आरोप हैं जो लगे हैं इस प्रोग्राम मैनेजर पर, जो स्क्रीन पर आपको नजर आती है और जिसका चेहरा हम आपको आगे लाकर दिखाते हैं। प्रोग्राम मैनेजर पर एफआईआर की मांग की जा रही है, विपक्ष इस मुद्दे को लपक रहा है। अब सवाल यह है कि जिनके मां बाप नहीं, उन्हें एक आश्रय मिला हुआ है, उन्हें जिंदगी जीने का एक जरिया मिला हुआ है, कहां से बोलेंगे वो बच्चे? उम्र जानते हैं आप, 0 से लेकर 6 साल, यानी कोई नवजात बच्चा वहां से लेकर और 6 साल की उम्र तक, वो बच्चे विरोध जताएंगे? अगर सब्सिडी दी जा रही है, अगर लाभ दिए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं के तहत फंड दिया जा रहा है, तो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ये कौन सी मॉनिटरिंग है, ये किस तरह की मॉनिटरिंग है कि बच्चों के साथ इस कदर बेरहमी होती है? ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट? अपडेट के साथ एक सवाल और भी है आपके साथ, तेज कुमार नेताम साहब भी हैं शायद, उनसे पूछिएगा कि ये मॉनिटरिंग की व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो गई कि कोई एक नहीं दो बच्चों को बेरहमी से पीटता है। और भी गंभीर आरोप है इस प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर। ममता, बिल्कुल, देखिए, और जो वीडियो आए हैं वो अपने आप में क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला वीडियो था। हमारे साथ बाल आयोग के अध्यक्ष तेज कुमार नेताम मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि मैम, ये इस तरह का जो वीडियो आया है, जाहिर तौर पे सवाल उठते हैं कि मॉनिटरिंग किस तरह से की गई, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? दत्तागिरी में जो अधीक्षिका रखी है उनको, मतलब दत्तागिरी बच्चों को अच्छा ठीक ठाक रखना चाहिए, और जो अच्छा नहीं रखे हैं उसके लिए एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अभी हम कलेक्टर से भी बात किए हैं, शायद उनके साथ एसपी भी साथ बैठे थे, एसपी से बात नहीं की हूँ, लेकिन हम अपने आयोग के तरफ से जैसे हम संज्ञान में लेकर के अभी तुरंत अपने यहाँ से सदस्य जो मेंबर है अगस्त्री बरनाथ जी, उसको तुरंत हम लोग रवाना किए हैं। देखिए, न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और इस खबर का ही एक बड़ा असर है कि उसके बाद में बाल आयोग जो है उन्होंने भी संज्ञान में लिया है, और जो बाल आयोग की अध्यक्षा है तेज कुमार नेताम, उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमने तुरंत जो है उसको टीम को रवाना किया, बाकी और उसके बाद केंद्रों का क्या? वहां पर अगर बात करें तो एफआईआर के लिए भी कहा गया है, लेकिन एक वही मैं सवाल कर रही हूं कि मैम ये बताइए कि पहली बात तो सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि अब जितने झलियामाला वाला मारी वाला कांड हुआ था कांकेर में, उसके बाद बहुत सारे, उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी खैर, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ये भी आश्वासन वो हुए थे कि वहां पर प्रॉपर चीजें जो है वो ठीक से की जा रही है। कांकेर का ये मामला है, दत्तक गृह है, इसको जो है वो फंडिंग भी हो रही थी सरकार से, तो इसकी मॉनिटरिंग उस तरीके से क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, अगर हम बात करें तो क्या कलेक्टर से भी ये सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर जो है वो संरक्षक होते हैं, पालक होते हैं, और बाकी जो दत्तक केंद्र हैं क्या उसको भी
भी उनको वहां पर भी संज्ञान में लिया जाएगा इस वीडियो के आने के बाद। बिल्कुल संज्ञान में लेकर के तुरंत हम लोग कार्रवाई करें, क्योंकि हम लोग आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, बिल्कुल कार्रवाई हम लोग करेंगे और करते हैं और तुरंत हम लोग जांच के लिए अपने मेंबर को भेजते हैं वहां भी। मैम दिसंबर का ये मामला है, ये वीडियो बताया जा रहा है कि दिसंबर का है, शिकायत के दौरान जो है दिसंबर में ये वीडियो जो है वो दिया गया था, तो वहां पर जो बाल अधिकार जो महिला बाल विकास अधिकारी है या जो है उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान में लिया, या दिसंबर का अगर वीडियो है उसके बाद इतना समय जो है वो लगा मीडिया में न्यूज 18 की खबर उठने के बाद में और सारा वीडियो वायरल होने के बाद में अगर एक्शन में सिस्टम आ रहा है, ठीक है एक्शन में सिस्टम एटलीस्ट आया तो, लेकिन सवाल इस बात पर भी है कि क्या उन पर भी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, जब वहां जवाबदारी दिए हैं महिला बाल विकास वाले को वहां भी उन लोगों को भी जाना चाहिए, और वहां कलेक्टर साहब भी हैं तो कलेक्टर साहब एक महिला भी है, महिला के नाते उनको भी जांच करना चाहिए और जाना चाहिए उसी स्थान पे। काफी लेकिन मैम जैसे कि पूरे सुबह से जो है ये मामला उठा हुआ है, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई, उनको जो है जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आरोपी मेरे साथ कर लिए हैं शायद, अभी मैं कलेक्टर से बात की हूँ तुरंत कार्रवाई कर लिए हैं करके बोले हैं, अभी मेरे गिरफ्तार कर लिए हैं करके मेरे को खुद बताया, मैं खुद बात की हूँ उनसे। अभी कितनी देर पहले बात हुई? अभी बस 20-25 मिनट हुआ है अभी। देखिए जो बाल आयोग की जो अध्यक्षा है वो एक बड़ी बात अभी कह रही है कि उनका कहना है कि 15 मिनट पहले बात हुई है और उनका ऐसा कहना है कि कलेक्टर ने उन्हें यह जानकारी दी है कि जो आरोपी जो मैनेजर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR के लिए कहा गया, हालांकि FIR के लिए तो कलेक्टर खुद भी बयान दे रही है और अभी यहां पर थोड़ा सा मामला जो है वो दिग्भ्रमित करने वाला हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उनको जो है वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह से मामला है 4-6 घंटे लगते हैं, पास्को एक्ट का मामला है, बहुत क्रूर तरीके से जो है पिटाई की गई है। मैम इस पर थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा ढील ढाल बिल्कुल हम लोग ढीला ढाला नहीं करेंगे, हम लोग आयोग वाले हैं, बिल्कुल तुरंत हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग कार्रवाई करेंगे और सिस्टम पे अभी हम लोग जांच करने के लिए भेजे हैं और जांच कर जैसे लाएंगे वैसे हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। कितने सदस्य टीम गई है मैम? नहीं हमारे एक मेंबर को हम लोग भेजे हैं, वहां से हम कलेक्टर साहब से बात करें, बोले कि वो लोग हम बोले कि महिला बाल विकास की तरफ से भी एक महिला भी देना और पुलिस वाले को बोलना भी पुलिस वाले एक मेंबर देंगे कर। अभी अगर हम बात करें मैम तो सिर्फ सस्पेंड किया गया है वो जो संस्थान है उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है, क्या ये भी होगा कि पूरी तरीके से उसकी मान्यता खत्म कर दी? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल खत्म करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बच्चे जब हैं बच्चे की देखरेख के लिए रखे हैं तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए तो रखे हैं ना वहाँ अधीक्षक। क्या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा मैम, क्योंकि देखिए ये इसकी जरूरत भी है, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में वो जो मैनेजर है वो पिटाई कर रही है, बगल से जो है वो आया या कोई निकलती भी दिखाई दे रही है, यानी और वो पलट के भी नहीं देखती, इससे ये लगता है कि बड़ी कॉमन सी बात हो गई है, रोज का वो जो है वो ये प्रोसेस हो चुका है वहां पे, रोज की इस तरह की चीजें हो रही है, तभी उन्होंने क्योंकि एक आध बच्चे को अगर आप देखेंगे रोता हुआ बच्चा दिखे तो स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि आप पलट कर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या ऐसा सिस्टम वो किया जाएगा कि अगर संस्था के लोग जो है अगर किसी तरीके से इस पर नहीं एक्शन वो शिकायत करते हैं तो कोई और सिस्टम हो जो मॉनिटरिंग करे, वहां पर आसपास के लोगों का अवेयर किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की जाए कि वो नहीं, वहां के जो सीएस है ना वहां उनको जाना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। चलिए ये बड़ा अपडेट, और ममता ने इस बात की जानकारी अभी कुछ देर पहले भी दी, प्रोग्राम मैनेजर गिरफ्तार हो गई है जिस पर यह आरोप लगा है जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, पर कई और पहलू हैं इसे लेकर ममता लगातार बात कर रही हैं। ममता आप अपनी बातचीत कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल देखिए, और प्रोग्राम मैनेजर जो है वो गिरफ्तार हो गई हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मैम देखिए सामाजिक एक जिम्मेदारी भी होती है, क्या लगता है आपको कि इस तरह के अवेयरनेस भी चलाने चाहिए, बाल आयोग को बताना चाहिए कि आपके इलाके में जो है इस तरह का दत्तकगृह भी संचालित हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि है आसपास के वो भी इसको सिंसियरली ले, और अगर हम बात करें तो क्या महिला बाल विकास अधिकारी या जिनके पास ये कंप्लेन की गई थी पहले दिसंबर में जो वीडियो दिया गया था, क्या उन पर एक्शन के लिए उन पर FIR के लिए भी ये कुछ आप कहेंगे, आप लोग कोई संज्ञान में लेंगे इसको? नहीं तो संज्ञान में तो हम लोग ले लिए हैं मैडम, संज्ञान में हम लोग लेते हैं, तुरंत हम लोग कार्रवाई करवाते हैं, हम लोग दोषी है तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम लोग जहाँ भी सुनते हैं हम लोग तुरंत मेंबर वगैरह भेजते हैं, कहीं भी जगह वो प्रोग्राम मतलब दुर्घटना वगैरह है तो तुरंत भेजते हैं हम लोग,
अब संज्ञान में भी लेते हैं, अधिकारी कलेक्टर से भी बात करते हैं, एसपी साहब से बात करते हैं, तत्काल मतलब वो लोग भी जानकारी लेके हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैम अगर हम बात करें तो ये वीडियो देखने के बाद में बहुत एक तरह से कहें कि एक घबराहट भी लोगों को होगी। दूसरी बात यह कि समाज के बीच में भी एक अगर हम बात करें तो इस तरह का मैसेज गया है कि ये जो बच्चे हैं इनका तो कोई होता ही नहीं, और वहां पर जो है इस तरह की हरकतें जो है वो बड़ी कॉमन सी हो गई होगी, रहती होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो क्या अभी तक अगर ये इतना हिला हवाला, इतनी सुस्ती क्यों रही? ये तो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि महिला बाल विकास विभाग जो है वो लगातार प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, कलेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। अगर हम बात करें तो आसपास पुलिस जो है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये बच्चे जिनका कोई अगर हम बात करें उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं या एक संस्था के एक पे रहते हैं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, और इस तरह की चीजें हो रही है तो क्या सवाल नहीं उठता है कि कहीं ना कहीं बहुत जो है बड़ी लापरवाही हुई, और जो एक रूटीन का प्रोसेस होना चाहिए वो रूटीन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। जब इस तरह के वीडियो आते हैं, इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बाद में ये इस तरह की बातें कही जाती है कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं, एक्शन होता भी है, लेकिन ये अब सवाल उठता है कि बाल आयोग जो है क्या कोई ऐसा प्रोसेस डेवलप करेगा, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा कि एक तो खौफ भी रहे, दूसरी बात अगर हम बात करें कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। नहीं मैडम, अब जिसे सभी लोग कर रहे हैं, विभाग वाले भी कर रहे हैं महिला बाल विकास की तरफ से, हम लोग बिल्कुल नहीं करवाई थे रहे भाई, हम लोग करवा रहे हैं आयोग की तरफ से, बिल्कुल बन रहा है हम लोग करवा रहे हैं। एसपी कलेक्टर को भी दबाव डाल रहे हैं कि अपने जिला में ये काम सब होना चाहिए करके, हम लोग क्या उनका कहना है कि एसपी को भी जो है वो निर्देशित किया गया है कि अपने जिले की जो है वो मॉनिटरिंग करें। ये एक बड़ी मसला ये है ममता, नहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि तेज कुंवर जी जिस तरह की बातें कर रही हैं, ये आदेश निर्देश का मामला नहीं है, ये आदेश निर्देश का मामला नहीं। पहला सवाल तो यही बनता है, पिछली जो अधिकारी थी सीएस मिश्रा उन पर गंभीर आरोप लगे, पैसे लेकर मामले दबाने के आरोप लगे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए थी। आयोग तो सबसे पहले यह बताए कि आयोग ने अपनी आखिरी कार्रवाई की क्या है बाल अधिकार संरक्षण को लेकर, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेज कुमार, हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।